Good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine at your home. And today we will start digital electronics and logic gates. But before we start, एक बार recall कर लेते हैं, जैसे मैं अपनी class में recall करता हूँ. पिछली बार हमने पढ़ाया था ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें था फोटो डायोड, LED, लाइट emitting डायोड means LED एंड सोलर सेल, और वो कैसे कैसे बायसिंग में काम करते हैं. नाउ आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूरी सेमीकंडक्टर की पावर पर बेस्ड है. कि जो सेमीकंडक्टर पावर हम बोलते हैं कि लेस पावर कंजम्पशन है, वो आती कहाँ से है, है ना. तो सबसे पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज एनालॉग सिग्नल, सेकेंड पॉइंट इज डिजिटल सिग्नल, एंड थर्ड इज लॉजिक गेट्स. तो एनालॉग सिग्नल के बारे में बात करते हैं पहले. व्हाट इज एन एनालॉग सिग्नल? द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस का मतलब जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता, और टाइम वेरिंग यानी वोल्टेज के साथ या करंट के साथ वो वेरी करे, मींस अप और डाउन, लेकिन उसमें कोई डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स, देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सिग्नल. आप देख रहे हैं ये वेव फॉर्म बन रही है, कंटिन्यूस है. यहाँ पर कोई, इसका मतलब है कि टाइम की हर एक सेकंड में इसकी वैल्यू डिफाइंड है. कंटिन्यूस सिग्नल का मतलब क्या है कि टाइम की हर एक वैल्यू में इसकी वैल्यू डिफाइंड है. एग्जाम्पल वोल्टेज और करेंट. यहाँ अलग अलग करंट का भी मैंने डायग्राम बनाया है और वोल्टेज का भी डायग्राम बनाया है. नाउ अब आते हैं डिजिटल सिग्नल पे. इन दिस वेव फॉर्म या सिग्नल, मान लीजिए हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट का मतलब अलग 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 वैल्यू, और वी कैन से नॉन कंटिन्यूस सिग्नल, जो सिग्नल कंटिन्यूस ना हो उनको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं. और इन डिजिटल सिग्नल को नॉन कंटिन्यूस हम क्यों कंसिडर करते हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ. इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सच सिग्नल आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. हमें मालूम है कि जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल होते हैं, जो कंप्यूटर में जो सिग्नल होते हैं, वो किसकी फॉर्म में होते हैं? 0 और 1, यानी कोडिंग में होते हैं, है ना. तो जिसका जो बेसिक फंडा है वो आज हम लॉजिक गेट से पढ़ेंगे. 0 and 1 सच वैल्यू आर नोन एज अ बाइनरी वैल्यू. बाइनरी का मतलब 2. तो हेयर आर 2 वैल्यू, 0 and 1, है ना. तो बाइनरी वैल्यू मीन्स बाय हैविंग 2 वैल्यू, 0 and 1. सो इन दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी विल स्टडी लॉजिक गेट्स. लेकिन उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि वाई वी आर यूजिंग डिस्क्रीट सिग्नल रैदर देन कंटिन्यूस सिग्नल. इन कंटिन्यूस सिग्नल वी रिप्रेजेंट लाइक इन द वेव फॉर्म, आप ऐसे देख सकते हैं अप एंड डाउन, है ना. अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ. बट इन डिस्क्रीट वी हैव ओनली 2 वैल्यूज, आइदर 0 और 1. आप देख सकते हैं कि जो अपर हाई वैल्यू है, मतलब मींस एक स्क्वायर है, वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पर बिल्कुल 0 निल वैल्यू है वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक वैल्यू फिक्स्ड है. पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू फिक्स होने का मतलब क्या है कि अदर टाइम में उसकी वैल्यू 0 है और एक स्पेसिफिक टाइम में ही उसकी वैल्यू 1 है. तो इससे क्या होगा, जो हमारे कंटिन्यूस सिग्नल में चाहे वैल्यू हो, करंट 0 हो या वोल्टेज 0 हो, या करंट 1 हो या वोल्टेज 0 हो, वहाँ पर हमें एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो रही थी कंटिन्यूस सिग्नल में. डिस्क्रीट सिग्नल में क्या है कि हमें उन्हीं पर्टिकुलर वैल्यू पर सिग्नल चाहिए. तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी कंजम्पशन का, इसी वजह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑपरेट इन लो एनर्जी, लो वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रीट सिग्नल में काम करते हैं और टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू पर ही वो डिफाइंड होते हैं. तो दैट इज़ वाई आप देख सकते हैं कि 0 1, फिर 0, फिर 1. तो हमें उतना ही वोल्टेज चाहिए, उतना ही वेव फॉर्म चाहिए जो कि हमें रिक्वायर्ड है, बाकी हम कट ऑफ कर देते हैं, यानी एनर्जी हमें ज़रूरत ही नहीं है. नाउ
इन दिस वेव फॉर्म ऑफ अ डिजिटल और अ डिस्क्रीट वैल्यू हैविंग अ जीरो एंड वन जिसकी कि कंटिन्यूस सिग्नल है, द एडवांटेज इज वी नीड ओनली अ पर्टिकुलर वैल्यू नॉट अ होल वैल्यू. हम होल वैल्यू कंसिडर नहीं करते. दिस रिजल्ट इट विल कंज्यूम लेस पावर, जैसे कि मैंने अभी बताया था. अब हम गेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं. जो पहला गेट है ट्राइंगल शेप का, ये नॉट गेट है. जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इनपुट साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो आउटपुट साइड है. तो नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है. नाउ और गेट के बारे में बात करते हैं. और गेट दो इनपुट और एक आउटपुट. देन थर्ड गेट इज एंड गेट, सेम बट ऑपरेशन इज डिफरेंट. तीनों के ऑपरेशन डिफरेंट होंगे, मैं बताऊंगा बाद में. एंड गेट दो इनपुट एक आउटपुट. ओके, देन इसके बाद है ये जो ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया, ये नैंड गेट है. दिस इज व्हाट नैंड गेट. इसके भी दो इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है. देन सबसे लास्ट में आता है आपके कोर्स में है नॉर गेट. इसके भी दो इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल है. अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ. यस, यहाँ से पढ़ेंगे हम. गेट होता क्या है? अ गेट इज़ अ डिजिटल सर्किट. एक डिजिटल सर्किट होता है, फॉलोज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताता है. किसके फॉर्म में? वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में. दे आर जनरली नोन एज लॉजिक गेट्स. इनको हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स बिकॉज दे हैव अ लॉजिकल ऑपरेशंस. अब इनको गेट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज गेट्स बिकॉज दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में होगी? आइदर वोल्टेज या करंट के फॉर्म में. तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है? वोल्टेज एंड करंट. द फाइव कॉमन गेट्स आर यूज नॉट नैंड सॉरी एंड और नैंड और नॉर. नाउ ईच गेट हैविंग देयर स्पेसिफिक सिग्नल्स एंड फंक्शंस. हर एक गेट के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं और स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं नॉट गेट की. ओके, आपको जो ट्राइंगुलर शेप में दिख रहा है और सामने जो बाहर एक बबल्स दिख रहा है, ये प्रेजेंट करता है नॉट गेट को. इसकी ख़ास बात क्या है कि जब भी हम कोई इनपुट अप्लाई करते हैं, अब इनपुट क्या होगा? इधर ज़ीरो और वन है ना. तो अगर हम ज़ीरो वन पुट इनपुट अप्लाई करेंगे, आउटपुट क्या आएगा? वन. और वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? ज़ीरो. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ मोस्ट बेसिक सिग्नल गेट, जो कि मोस्ट बेसिक सिग्नल गेट होता है. बेसिक क्यों? क्योंकि ये अदर गेट में भी यूज़ होता है. अब मैं बताऊंगा कि क्यों यूज़ होता है बाद में. विद वन इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल, इट प्रोड्यूस एज इन्वर्टेड वर्जन ऑफ इनपुट एज आउटपुट. मीन्स इफ़ वी गिव ज़ीरो एट ए, यानी इनपुट पर अगर हमने ए दिया है तो आउटपुट पर उसका इन्वर्टेड वर्जन आ जाएगा. इन्वर्टेड मीन्स अगर ज़ीरो है तो वन आ जाएगा, वन है तो ज़ीरो आ जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट गेट. नाउ और गेट में समझ लेते हैं. व्हाट इज़ और गेट? और गेट हैविंग अ कर्व शेप फ्रॉम इनपुट साइड एंड नैरो शेप एट आउटपुट साइड. तो यहाँ पर दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है. इसकी ट्रुथ टेबल, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, उनको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या है और गेट का? कि अगर इनपुट सिग्नल में से दोनों में भी अगर एक आउट दे दिया, एक वन सिग्नल दे दिया, मींस ए और बी में से अगर कोई भी वन, उसकी वैल्यू वन है, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा. एक बार दोबारा बोलता हूँ कि इन और गेट आइदर ऑफ द इनपुट ए और बी हैविंग ए वैल्यू वन, देन आउटपुट इज ऑल्सो वन. अगर इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो है, बट अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू एक वन है तो आउटपुट वन आ जाएगा. तो उसकी ट्रुथ टेबल देख सकते हैं. अगर ए दोनों में ए और बी क्या है? ज़ीरो ज़ीरो, तो आउटपुट वन.
और फिर अगर दोनों में से जीरो वैल्यू वन है तो आउटपुट बिकम वन। तो देखिए यहाँ पर बी वन है सेकंड वाले में तो आउटपुट वन आ गया, फिर ए वन है बी जीरो है तो आउटपुट वन। अगर दोनों ही वन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी वन देगा वो, ठीक है। तो इट हैज़ टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट, द आउटपुट इज़ वन इज़ आइदर ऑफ देम ए एंड बी आर वन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर इन दोनों में से एक भी की वैल्यू वन आती है इनपुट में तो आउटपुट में वन आ जाएगा। नाउ एंड गेट, व्हाट इज एन एंड गेट? जैसे कि और गेट है लाइक एन और गेट, एंड गेट ऑल्सो हैव अ टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। और गेट में भी दो इनपुट होते हैं और वन आउटपुट होता है। इस गेट में क्या होता है, इन दिस गेट आउटपुट इज ओनली इफ बोथ द इनपुट्स ए और बी इज वन। यानी आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, अगर देख लेते हैं ये रहा इसका ट्रुथ टेबल किसकी, एंड गेट की। ओके नाउ एंड गेट तभी आउटपुट वन देगा जब इनपुट के दोनों सिग्नल वन होंगे। देख सकते हैं आप ए और बी जीरो जीरो अप्लाई किया, जीरो आउटपुट आया। ए जीरो बी वन तब भी जीरो, ए वन बी जीरो तब भी जीरो, दोनों अगर वन है तो ही आउटपुट वन आया है, ठीक है। तो और गेट और एंड गेट में यही एक ख़ास बात है कि एंड गेट में क्या था कि वहाँ पर इनपुट एक भी आ रहा था तो हमारा आउटपुट एक आ रहा था, लेकिन और गेट में क्या है कि दोनों इनपुट में वन हो तभी आउटपुट आपका वन आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट ज़ीरो आएगा। ओके नाउ नैंड गेट, व्हाट इज़ ए नैंड गेट समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है नॉट का। दिस इज़ अ एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। यहाँ पर मैंने बेस्ट ट्रिक बताई है, द बेस्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड द नैंड गेट इज लर्न एंड गेट आउटपुट एंड दिस आउटपुट गेट इन्वर्टेड। पहले हम एंड गेट का आउटपुट लर्न कर लेते हैं, एंड गेट के ट्रुथ टेबल लर्न कर लेते हैं और उसमें क्या जोड़ लेते हैं, नॉट गेट जोड़ लेते हैं, है ना। तो वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल थी हमें मालूम है ना, एंड गेट गेट की क्या ट्रुथ टेबल थी, सॉरी हाँ एंड गेट गेट की ट्रुथ टेबल थी आपकी, अगर इनपुट दोनों में वन है तभी आउटपुट क्या है, वन है, अदरवाइज अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट ज़ीरो आएगा। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एंड गेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रुथ टेबल आपको दिख रही है एंड गेट की, इसमें एंड गेट के साथ हम नॉट गेट लगा देंगे। तो नॉट गेट क्या करेगा, आउटपुट को क्या कर देगा, जैसे ये वाई है एंड गेट का इनपुट और वाई डैश क्या है नॉट गेट का आउटपुट, तो इस एंड गेट के इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। तो इन्वर्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू आ रही थी वहाँ वन आ जाएगा और जहाँ वन वैल्यू आ रही थी वहाँ ज़ीरो आ जाए। सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और नॉट गेट, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ नैंड गेट। ओके नाउ